पूरे महाराष्ट्र को झंझोरने वाला अंकिता पिसुंडे बहुचर्चित जलित कांड में जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय न्यायमूर्ति आरडी भागवत ने आज बुधवार 9 फरवरी को आरोपी के विरुद्ध आरोप साबित होने पर इस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है, जिस पर गुरुवार 10 फरवरी को फैसला घोषित किया जाएगा। ऐसी जानकारी विशेष सरकारी वकील एडवोकेट उज्जवल निकम ने दी है। आज इस मामले में फैसला होने की अपेक्षा सभी को थी। महाराष्ट्र की जनता का भी ध्यान इस फैसले पर लगा था। 11:30 पर आरोपी को गहरे पुलिस बंदोबस्त में न्यायालय में हाजिर किया गया। इस वक्त सरकारी पक्ष के वकील एडवोकेट उज्जवल निकम, आरोपी पक्ष के वकील एडवोकेट भूपेंद्र सोने न्यायालय में हाजिर थे। इसके साथ ही मृतक के माता पिता भी न्यायालय में हाजिर थे। कोई भी घटना घटित ना हो इसके लिए तगड़ा पुलिस बंदोबस्त रखा गया। जलित कांड प्रकरण में आरोपी को दोषी करार दिया गया है और कल उसे सजा सुनाई जाने वाली है, जिस पर सारे महाराष्ट्र की नजर टिकी हुई है। आरोपी सचिन नगराड़े ने उसके अंग पे पेट्रोल डाल के उसके जला के दिया और उसका खून किया। इस आरोप में कोर्ट ने आज उसे दोषी पाया है और इसके बाद हमने कोर्ट को ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस है उसके मुताबिक सजा के बारे में कल अभियुक्त विकेश नगराड़े और सरकारी पक्ष की जीरो होगी, क्योंकि उसी दिन जीरो करना ठीक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के वैसे डायरेक्शन से और उस आधार पे कल प्रोसिक्यूशन और आरोपी कल कोर्ट में उसे कौन सी सजा मिलेगी इसके बारे में कल बहस करेगी। सजा का ऐलान कल कोर्ट कर सकती है। आयपीसी अंतर्गत आरोप म्हणजे निश्चित केलेला आहे आणि उद्या फक्त याच्यावरती की आरोपीला सजा किती होणार, त्याला लाईफ इम्प्रिझनमेंट होणार किंवा मग त्याला फाशीची शिक्षा होणार ह्याकरिता उद्याची तारीख ठेवलेली आहे। नेमका तुम्ही म्हटलं की तुमचे पुरावे ग्राह्य पकडण्यात आले नाही, नेमका काय? हां, नेमकं म्हणजे असं की सगळे माझ्याकडे आताही 29 साक्षीदारांनी जे कोर्टा पुरावे दिलेले आहेत त्या 16 साक्षीदारापैकी 29 एकानेही जरी प्रोसिक्युशनची स्टोरी, फिर्यादी पक्षाची स्टोरी बरोबर सांगितली असेल तर मी गुन्हेगार आहो। आणि समजा त्या 29 लोकांनीही ह्या त्यांच्या प्रोसिक्युशन स्टोरीला सपोर्ट केला नसेल तर मला अपेक्षा होती की माझी प्रार्थना मला इथून मुक्त करण्यात यावा ही सन्माननीय कोर्ट नक्की मानणार। म्हणून मी वरच्या कोर्टात धाव घेणार, वरच्या कोर्टात तर धाव घेणार, कारण की माझ्यावरती इथे भरपूर अन्याय झालेला आहे। मी कुठल्याही एका साक्षीदाराबद्दल नाही बोलून राहिलेलो, 29 साक्षीदारांचे डिपोझिशन्स आहेत माझ्याकडे, त्याच्या आधारावर बोलून। सर एक मिनिट रुका, सर न्यायालयाने काय निर्णय दिलेला आहे आणि काय त्याला सजा होणार आहे? न्यायालयाने आज 302 आयपीसी कलम अंतर्गत माझ्यावरती दोष सिद्ध होतो असं जाहीर केलेलं आहे। आता ह्या गुन्ह्यामध्ये जे जास्तीत जास्त पनिशमेंट आहे ती फाशीची आहे आणि जी कमीत कमी पनिशमेंट आहे ती उम्र कैद, लाईफ इम्प्रिझनमेंटची आहे। तर उद्या आरोपीला फाशी होणार किंवा उम्र कैद होणार याच्यावरतीच फक्त निर्णय होणार आहे। सर हिंदी मध्ये सांगा। हिंगणघाट से BCN न्यूज के लिए रवि यनौरकर की रिपोर्ट।